मल्टी ब्रांड रिटेल वोट नहीं डाला। वॉलमार्ट के 9826 स्टोर्स पूरे दुनिया में। कैश एंड कैरी होलसेल में एफडीआई की मंजूरी के बाद जर्मनी सहित 32 देशों में रिटेल का कारोबार करने वाली जर्मन कंपनी मेट्रो ने भारत में अपने 16 होलसेल कैश एंड कैरी स्टोर खोले। 66 बिलियन यूरो की कंपनी मेट्रो के पूरे विश्व में 2200 स्टोर हैं। इस कंपनी ने भारत में अपना एक स्टोर खोलने के लिए 10 से 15 मिलियन यूरो प्रति स्टोर इन्वेस्ट किए हैं। भारत में सबसे पहले दस्तक देने वाली मेट्रो अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट को तगड़ी चुनौती दे रही है। मेट्रो सन 2020 तक भारत में अपने होलसेल स्टोरों की संख्या 50 तक करना चाहती है। मेट्रो की इस कहानी का इतिहास तो पॉजिटिव है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मेट्रो अपने अन्य कंपटीटर कारफोर और वॉलमार्ट की तरह कहीं एफडीआई नियमों को ताक पर रख कर अपना कारोबार तो नहीं कर रही है, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल से हटाकर रिटेल की तरफ तो नहीं ले गई है। इसी सच्चाई का पता लगाने के लिए हमारी टीम ने 10 से अधिक शहरों में मेट्रो के खुले हुए स्टोरों का जायजा लिया। सर ये शॉपिंग आपने किसके लिए किया? अभी आपने घर के लिए किया है। अच्छा, क्या क्या खरीदा आपने? बासा फिश विच इज नॉट अवेलेबल इन दी मार्केट, वो लिया और बोनविटा लिया। राजस्थान के जयपुर शहर में मेट्रो का कैश एंड कैरी होलसेल स्टोर है। हमारी टीम को सूचना मिली कि मेट्रो भी वॉलमार्ट और कारफोर की तरह बिजनेस टू बिजनेस मॉडल को अवैध एवं गैर कानूनी जामा पहना चुका है। सच्चाई को परखने के लिए जयपुर के इस स्टोर का जायजा लेना जरूरी था। मेट्रो के इस स्टोर का जायजा लेने के बाद साफ हो गया था कि मेट्रो भी अपने प्रतिस्पर्धियों की तरह बिजनेस टू बिजनेस मॉडल को ठेंगा दिखा रहा है। मेट्रो के इस स्टोर में कई हाउसवाइफ अपने लिए उपभोग का घरेलू सामान खरीदती नजर आईं। जयपुर के इस स्टोर में हमारे रिपोर्टर की मुलाकात हुई इस स्टोर के डिपार्टमेंट मैनेजर संदीप सिंह से। संदीप सिंह को भी हमारी टीम ने वही पुरानी कहानी सुनाई। संदीप से हमने कहा कि जयपुर में हाउसिंग अपार्टमेंट में रहने वालों को हमने अपना मेंबर बनाया है और अब इन मेंबरों को इनके दैनिक उपभोग के लिए आपके मेट्रो स्टोर से पर्सनल शॉपिंग कराना चाहते हैं। संदीप बिजनेस टू बिजनेस मॉडल को भूलकर मेट्रो स्टोर में एक साथ 100 लोगों की एंट्री देने के लिए तैयार हो गया। संदीप ने कहा, हमारे यहाँ पे तो चाहे 1000 लोग शॉपिंग करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरा ये जानना था कि मेरे पास जैसे कि जो सोसाइटीज होती हैं ना, सोसाइटी में भी हमारा टाई अप है क्योंकि हम फूड सप्लायर हैं। तो सोसाइटी में क्या होता है कि हम लोग बसों में अरेंज करते हैं, 100 लोगों को बैठा के लाए, शॉपिंग कराए और ले गए। ठीक है, तो हम आपकी फॉर्मेलिटी तो हम सारी पूरी कर देंगे क्योंकि हमारा बिजनेस है, हम आपको जो भी आप कहेंगे वो सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएंगी। लेकिन वो इंडिविजुअल शॉपिंग हम लेके आएंगे उनको, इंडिविजुअल शॉपिंग जब वो शॉपिंग करेंगे। हाँ अच्छा, वो अलग ही हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि आप कार्ड, आपके कार्ड पे बिलिंग होगी सारी? मेरे कार्ड पे होगी। आप एड ऑन कार्ड दो देते हो? कितने देते हैं? दो एड ऑन कार्ड आते हैं। और भी बढ़ा सकते हैं आप कुछ पर्सनल करके? बढ़ेगा नहीं, वो उसी में हो जाएगा। आप जो एड ऑन कार्ड आएगा तो कोई ना कोई बंदा आपका साथ आएगा ही। नहीं, कभी हमारे साथ हम सबको ले आए, 100 लोगों को ले आए, तो 100 लोग कैसे शॉपिंग करेंगे एक टाइम? ये वाला अच्छा, ये तो फिर एक बार उनका नीजर से बात करवाता हूँ आपकी। अच्छा, वैसे कितने लोग इंडिविजुअल आपके उससे कितना? हमारे यहाँ पर तो 1000 लोग शॉपिंग करो, मेरे को दिक्कत नहीं। नहीं, एक कार्ड से इंडिविजुअल पर्सनल शॉपिंग? दो लोग, वैसे तो दो लोग अलाउड है। वो तो मुझे पता है, दो लोग अलाउड है। वो जो आप बता रहे हो उस कॉन्सेप्ट में मेरे को पूछना होगा। अच्छा, किससे आप पूछ लीजिए? हाँ, मैं सीनियर से पूछ लीजिए। मेट्रो के जयपुर स्टोर में 100 लोगों को एक साथ पर्सनल शॉपिंग कराने के लिए डिपार्टमेंटल मैनेजर संदीप सिंह ने हमारे हिडन कैमरे के सामने ही अपने एजीएम अनिल व्यास से फोन पर अप्रूवल लिया। बाद में संदीप सिंह ने हमें फोन पर हुई बातचीत का ब्यौरा भी दिया।
संदीप सिंह ने कहा, हमारे एजीएम ने स्टोर में एक साथ 100 लोगों को प्रवेश कर पर्सनल शॉपिंग करने की इजाज़त दे दी है। संदीप ने कहा, ओके कर दिया, अभी आपके सामने बात हुई है, वैसा कुछ हो आप उनको कॉल कर लेना, देन हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। जो आपके तीन एट होम कार्ड है, जैसे एक आपने अपना बनवा लिया, दो आपके जो और होंगे फैमिली का बनवा लिया, मतलब फैमिली का भी है, मतलब इस बिजनेस में जो इन्वॉल्व है जैसे आपने उनका बना लिया कि कभी जैसे मान लो आपका आना नहीं हुआ तो वो बंदे साथ में आ जाए या कोई चीज़ करना जैसे, मतलब जो एक ही जैसे 100 लोग है लेकिन दूसरा ये है कि मैंने एंट्री की उस दिन आप नहीं हुए और मुझे कहीं दूर से लाऊंगा कहीं कहीं अलग अलग, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार बता देना, किससे बात की आपने? अनिल व्यास जी जो आपके मैनेजर, हाँ जिनसे आपके नीचे मिले होंगे ना आप, उन्होंने ओके कर दिया आपके सामने बात हुई, तो ऐसा कुछ हो आप उनको कॉल कर लेना, देन हो जाएगा कोई इशू नहीं। और ये तो कोई इशू नहीं है कि एक दिन में या एक महीने में इतनी शॉपिंग कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, कितनी बार आ जाऊँ? हाँ जल्दी आप दिन में चाहे 100 बार आओ कोई दिक्कत नहीं। जयपुर के मेट्रो होलसेल स्टोर में कई परिवार अपने दैनिक उपयोग का सामान खरीदते नजर आए। कोबरा पोस्ट की टीम ने कई परिवारों से उनकी इस खरीद के बारे में पूछा। सर ये शॉपिंग आपने किसके लिए की अभी? अपने घर के लिए की है। अच्छा, क्या क्या खरीदा आपने? बासा फिश विच इज नॉट अवेलेबल इन दी मार्केट, वो लिया और बोनविटा लिया। मेट्रो होलसेल में चल रही धांधली की छानबीन को आगे बढ़ाने के लिए कोबरा पोस्ट की टीम राजस्थान के बाद पहुंची एक और राज्य पंजाब में। मेट्रो के 16 होलसेल में से 4 स्टोर इसी राज्य में हैं। हमारी टीम इस राज्य में सबसे पहले पहुंची मेट्रो के अमृतसर स्टोर पर। यह स्टोर भी औरों की ही तरह FDI के नियमों का उल्लंघन कर सीधे घरेलू उपभोक्ताओं को सामान बेच रहा है। इस स्टोर में हमारी मुलाकात हुई स्टोर मैनेजर मुनीष जोशी से। मुनीष जोशी को भी हमने वही पुरानी कहानी बताई। हमने बताया कि अमृतसर की हाउसिंग सोसाइटी के लोगों को मेंबर बनाकर आपके स्टोर में हम पर्सनल खरीदारी करवाना चाहते हैं। स्टोर मैनेजर न केवल इस गैरकानूनी काम के लिए तैयार हो गया बल्कि वह हमारे लोगों को खास ट्रीटमेंट देने के लिए भी राजी था। मुनीष ने कहा, 100 पीपल आएंगे, एक बस में आएंगे और अपनी अपनी परचेज करेंगे। तो कंसर्न ये आ रहा था कि सोसाइटीज़ खुद, जैसे कि हम आपकी फॉर्मेलिटी पूरी कर देंगे जो हमारे पास हैं, जो भी आप डॉक्यूमेंट कहेंगे ठीक है, लेकिन हम इंडिविजुअल शॉपिंग फैमिली को लेके आएंगे बसों में और वो इंडिविजुअल शॉपिंग करेगी ठीक है, कोई इशू नहीं। कार्ड आप तीन देंगे, कैसे कार्ड कैसे करेंगे? कितने बंदे एक बस में? एक ही आएगा 100 पीपल्स आएंगे एक बस में आएंगे और अपनी अपनी परचेज करेंगे। कोई फिर उसके लिए कार्ड की कोई जरूरत नहीं, आपको जो भी कंसर्न पर्सन आपका आएगा आपकी तीन कार्ड बन जाएंगे पहले किसी के लिए ठीक है, आपके फॉर्म के नाम से वो अपने पास आपको, अपने तीन जो मेंबर हैं उनके पास आपको कोई इशू नहीं। जब भी आना मेरे को एक बार कॉल कर देनी है कि हमारी इतने बंदे आ रहे हैं तो आप यहाँ पे कोई बंदा अरेंज करके रखो, एक आपको बंदा मिल जाए क्योंकि फॉर काइंड हेल्प करिए, क्योंकि आपको कई बार केस चाहिए किसी चीज़ का, एक साबुन का केस चाहिए, केस तो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, वो आपकी हेल्प करे, कोई भी सामान आपको नहीं मिल रहा वो हेल्प करेगा, उसके लिए हमारा बंदा इंडेक्स है ठीक है। अगर आपको बल्क क्वान्टिटी चाहिए तो आप पहले एक बार बताओगे एक दिन पहले कि हमें ये चीज़ें, क्योंकि 3-4 लोग चीज़ करोगे आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या क्या चाहिए रिक्वायरमेंट है, या इंडिविजुअली सभी ने अपने अपने लिए लेना है। इंडिविजुअल सब ने अपने 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 लिए, हाँ, जो लोकल स्टॉक उसके लिए कार्ड आपका एक बन जाएगा। उसके बाद जब भी आपने आना मेरे को एक बार इन्फॉर्म करना है कि हम आ रहे हैं तो हम आके आपको बता, कोई भी आए मेरे को एक बार कॉल कर दें, आपकी सारी फैमिलीज की एंट्री हो जाएगी, वो परचेज कर लेंगे, एक आपको डे कार्ड इशू हो जाएगा उस दिन उस नंबर पर, उस नंबर पर सारी जो भी सोसाइटीज़ की वो बिलिंग हो जाएगी। बिलिंग, अच्छा बिल कभी कभी हो जाता है कि हमारा बहुत ज़्यादा बिल आ जाता है, तो ऐसा है किसी और के नाम से बिलिंग वगैरह आप करवा दें? वो एक बार देखना पड़ेगा पॉसिबिलिटी है कि नहीं है,
क्योंकि बेसिकली हम जो करते हैं कि ये ऐसा होता है, एक आप कच्चा कार्ड बना लीजिए, एक परमानेंट आप फाउल का कार्ड बना लीजिए, एक वो होता है ना किसी के साथ एडिंग वगैरह कर लेंगे, उसमें होगा कि एक बिलिंग आपकी एक नंबर में हो जाएगी, एक दो नंबर में हो जाए, ऐसे ही जाते हो ना। हाँ कोई वो करवा देंगे आप। अच्छा ये कंसर्न आता किसी दिन आप नहीं मिले, हम फैमिलियों को ले आए, मेरी सर फोन पे बात करवाने की जरूरत है आपको जी। मैं संडे को नहीं होता सर, बाकी दिनों में जरूर होता है, एक आधी छुट्टी जो होगी, क्योंकि बाद में ये लोग कहें कि कार्ड आपके तीन है, और सर आपने फोन करना सर कि ये इंडिविजुअल शॉपिंग कर रहे हैं सर, और यहाँ पे सभी जगह सोसाइटी वगैरह में देख रहा हूँ, आप मेरी एक बार बात करवा देंगे तब भी पॉसिबिलिटी संतुष्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी कोई इशू नहीं है, आपका एक बार कार्ड बनने की जरूरत है, उसके बाद जो दो आप कह रहे हो दूसरे कार्ड पे बिलिंग है, वो है कि अपनी फर्म का कोई ना कोई दो फर्म में बनवा लीजिए, एक पे आप जो एक नंबर बिलिंग करनी है वो एक पे करवा लीजिए, एक दूसरा आप करवा सकते हो। भारत में होलसेल में एफडीआई के नियमों का कौन कौन सी विदेशी कंपनी पालन नहीं कर रही थी, कोबरा पोस्ट की ये पड़ताल पंजाब के मेट्रो होलसेल के स्टोरों में जारी थी। इस छानबीन में हमारी टीम की अगली मंजिल थी लुधियाना। लुधियाना के इस स्टोर में हमारे रिपोर्टर की मुलाकात हुई स्टोर एजीएम से। स्टोर एजीएम के सामने भी हमारी टीम ने अपनी वही पुरानी कहानी दोहराई, इसे बताया कि हमने लुधियाना के हाउसिंग अपार्टमेंट में तमाम मेंबर बनाए हुए हैं और वे सब हमारे कार्ड पर अपने घर के लिए दैनिक उपयोग का सामान खरीदने के लिए आपके स्टोर पर आएंगे। स्टोर एजीएम न सिर्फ हमारे लोगों को प्रवेश करवाने के लिए तैयार दिखा, बल्कि टैक्स बचाने के लिए हमारे फर्म के कई डमी कार्ड बनाने के लिए भी राजी था। एजीएम ने कहा हाँ वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दो तीन कार्ड बनवा लीजिए, हम अलग अलग फर्म्स में आपको उसी कार्ड पे जो कार्ड उसी कार्ड पे बिल हो जाएगा, तीनों में से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आशीष हूँ। हाँ जी वेलकम सर। सर ये था लोग एक छोटा सा हमारा आइडिया था, वो सक्सेसफुल हो गया, हमने हाउसिंग सोसाइटी में अपने मेंबर बनाए दिल्ली में और आपके एनसीआर में, अब चंडीगढ़ में शुरू कर रहा हूँ और आपके यहाँ लुधियाना आगे भी जाऊँगा अमृतसर। हाउसिंग सोसाइटी में हमारे मेंबर्स हैं, तो उसको हम क्या करते हैं कि उनको लेके आपसे हमने टाई अप कर लिया, मंथली आप 2% हमें देते हैं, उनसे भी हम लेते हैं और ट्रैवलिंग का वो हमारा है, उन्हें लेके आएंगे यहाँ शॉपिंग करेंगे, फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं वो हमारी सारी हम पूरी फुलफिल करेंगे, मतलब हमारी कंपनी का कार्ड होगा उस पर बिलिंग होगी, एड ऑन कार्ड आप दोगे जो तीन देते हैं, लेकिन उन इंडिविजुअल को हम शॉपिंग कराएंगे। ये था आप हमसे क्या हेल्प चाहते हैं? ये चाहते हैं कि एंट्री उनकी इजीली हो जाए, और वो पर्पज़ आपको बताना मुझे मतलब लगा कि साफ साफ बात अच्छी होती है, कार्ड आप लेके आएंगे उनको, तो हम नहीं होंगे तो हमारे एम्प्लॉई होंगे वो लोग लेके आएंगे। तो फ्रीक्वेंसी और विजिट क्या रहेगी आपकी? महीने में दो तीन बार मतलब सपोज कार्ड होल्डर कौन होगा? कार्ड होल्डर एक तो कंपनी के नाम बनेगा, दो एम्प्लॉय होंगे हमारे, उन्हीं के नाम होंगे। हाँ एक्चुअली जिसका कार्ड है उसी को आना पड़ेगा साथ में, वो आएगा, एक आदमी आएगा। जब मर्जी आएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 50 लोग और होंगे सारे, जैसे 50 जो हम मेंबर बनाए ना वो शॉपिंग करेंगे, असली शॉपिंग तो वही करेंगे। नहीं एक एक सिंगल टाइम में, सिंगल टाइम में, सिंगल टाइम में 50 कस्टमर हो रहे हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दो तीन कार्ड बनवा लीजिए, हम अलग अलग फर्म्स के आपको उसी कार्ड जो कार्ड कहेंगे उसको मिल जाएगा तीनों, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जितने दो फर्म में होंगे दो फर्म में कार्ड बना लीजिए, आप 6 कार्ड बनेंगे दो फर्म में, तो आपको लगे कि इस फर्म में ज़्यादा अवेलेबल सिक्योरिटी सुपरवाइजर का रिपोर्ट टू द एक्शन से सिक्योरिटी सुपरवाइजर यू आर। स्टोर एजीएम ने हमारी मुलाकात डीसी ऑपरेशन के एजीएम देवव्रत आचार्य से कराई। लुधियाना स्टोर के इस एजीएम ने हमें लुधियाना को कई सेक्टरों में बांटने का सुझाव भी दिया। आचार्य ने कहा मेरा सजेशन एक ही होगा कि आप अगर ये पूरा लुधियाना को सेक्टर वाइज डिवाइड करके मानिए मंडे को ये एरिया है, ट्यूजडे को ये एरिया है, ऐसा करके। मैं मेंबर बना रहा हूँ हर जगह, जहाँ भी आपके स्टोर हैं वहीं वहीं मेंबर बना रहा हूँ। okay. मेरे पास कुछ इन्वेस्ट है नहीं, मुझे कुछ करना नहीं है, केवल मेंबर बनाने, आपसे टाई अप करना, आप 2% दे रहे हैं, उधर मेरा अपना जो भी हो 2-4% जितना भी उनसे कर लें, मुझे केवल लाना है आपके पास, वो अपना पर्सनल शॉपिंग करेंगे और चले जाएंगे। ये बढ़िया है सर, आपका तरफ से एक मुझे मतलब एक प्रपोजल चाहिए ताकि मैं इसका अप्रूवल ले सकूँ।
एक प्रपोजल अगर आपकी तरफ से आ जाएगा तो मैं उस पर अप्रूवल ले लूँगा। मेरा सजेशन एक ही होगा कि आप अगर ये पूरा लुधियाना को सेक्टर वाइज डिवाइड करके मानिए मंडे का ये एरिया का ये एरिया ऐसे कर दे तो पूरा फुटफॉल डिवाइड हो जाएगा, रोज का डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा या संडे का, तो सात दिनों का एक एक जगह रख दिया वो हम कर लेंगे, वो हमारी हेडेक है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, मतलब आपका ये जो टॉप 2% है आपका ट्रांसपोर्टेशन और आपका मैन पावर जो कॉस्ट है, मैन पावर बस, इसके अलावा इसके बाद आपका नील प्रॉफिट बेसिकली व्हाट मींस दिस टू यू कि अगर ये अप्रूवल आता है हमारे फाइनेंस की तरफ से, हमारे हेड की तरफ से, सो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि संडे आप सजेस्ट मत करिए, बिकॉज संडे इज द बिग डे फॉर अस, बिग डे, ओके, संडे में बहुत रश रहता है, अगर आपके 50-100 कस्टमर आएंगे तो मे बी उनके लिए हो सकता है कि वेट करना मुश्किल हो जाए, 50 लोग या बस में आएंगे ट्रेवल करके, तो कुछ लोग जल्दी शॉपिंग कर लेंगे, कुछ लोग लेट शॉपिंग करेंगे, अगर आप रूटीन डे में आएंगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। कोबरा पोस्ट की टीम ने पंजाब के एक और शहर जालंधर का रुख किया। हमारी छानबीन में पंजाब का ये तीसरा स्टोर था। यहाँ कई उपभोक्ता पर्सनल खरीदारी करते हुए नजर आए, मतलब साफ था कि मेट्रो के इस स्टोर में भी बिजनेस टू बिजनेस मॉडल का कहीं नामो निशान नहीं था। फिर भी हमारे लिए ये जानना जरूरी था कि क्या ये सब खरीदारी मेट्रो संचालकों की जानकारी में चल रही है। इसीलिए अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाने के इरादे से हमारे रिपोर्टर ने मेट्रो के ड्यूटी मैनेजर दीपेश राज देवेश्वर से बात की। हमारी टीम ने देवेश्वर को बताया हमारी कंपनी जालंधर की हाउसिंग अपार्टमेंट के लोगों को अपना मेंबर बनाकर आपके होलसेल स्टोर से सीधे पर्सनल शॉपिंग कराना चाहती है। देवेश्वर ने हमारे रिपोर्टर से कहा कि आपकी कंपनी के इस प्रपोजल के लिए मुझे अपने सीनियर अधिकारियों से सलाह मशवरा करना होगा। दीपेश ने कहा, सर मुझे ना इसके लिए आगे बात करनी पड़ेगी। मेरे काफ़ी मेंबर हैं, जगह जगह चंडीगढ़ में, दिल्ली में बना रखे हैं, तो मैं हर जगह जाता हूँ होलसेल स्टोर पे। मेरा अलग अलग है, कारफोर से भी था, बेस्ट प्राइस से भी था, आप लोगों से भी है एक दो जगह। अभी मैं यहाँ पर आपके लुधियाना में काम करना चाह रहा हूँ, तो फॉर्मेलिटी मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ कि मैं फॉर्मेलिटी सारी पूरी करूँगा, अपनी कंपनी के जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो सारे सप्लायर के मैं दूँगा आपको। तो आप जो भी कार्ड बनवाते हैं ना, एक मेरा कार्ड बनेगा, दो एड ऑन कार्ड बनेंगे। उसके अलावा मुझे ये जानना था कि मैं जो अपना मेंबर्स हैं उनको भी शॉपिंग कराना चाहता हूँ, वो कैसे पॉसिबल होगा? कितने मेंबर्स होंगे? देखिए हमें 2-4 मेंबर लाने में तो कोई फ़ायदा नहीं है, बल्क में तब तक नहीं है तब तक मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होगा। बल्क में मैं बस लेके आता हूँ, सोसाइटी में गया, उनको भर लिया, बस लेके आ गया, तो 50-100 के बीच में अभी मेरा एक चक्कर कामयाब होगा, नहीं तो कुछ बनेगा नहीं, तो सारा एक्सपेंसेस वगैरह मैं बियर कर रहा हूँ। उनको लाने जाने का सब आप बियर कर रहे हैं? हाँ। और ऐसा कितनी बार होगा महीने में? महीने में 2-3 बार तो होना ही चाहिए, 3-4 बार भी हो सकता है, जितना वो तो मेरा बेनिफिट है, मैं जितना भी करा लेता हूँ। हमारे रिपोर्टर के इस प्रपोजल के बाद देवेश्वर ने हमारे रिपोर्टर के सामने ही अपने सीनियर अधिकारियों से फोन पर बातचीत की और रिपोर्टर को बताया कि उसकी अपने सीनियर अधिकारी से बात हो गई है। उसके अधिकारी ने कहा है कि कंपनी से अप्रूवल कराकर वह हमको शॉपिंग के लिए अनुमति दे देंगे। दीपेश ने कहा, सर बॉस से बात हुई है तो वह ये कह रहे हैं कि अप्रूवल कराकर हम आपको अलाउ कर देंगे। बॉस से बात हुई है तो वो कह रहे हैं इसका एक स्पेशल अप्रूवल लेना पड़ता है, कॉर्पोरेट अप्रूवल लेना पड़ता है, एज अ स्पेशल केस जो है हम आपको अलाउ कर देंगे, लेकिन इसका ना पूरा बिजनेस केस जो है वो हेड ऑफिस जाना होता है। ओके।
पंजाब के जीरकपुर में मेट्रो का चौथा होलसेल स्टोर है। पंजाब में मेट्रो के और स्टोरों की तरह तमाम घरेलू उपभोक्ता जो किसी भी तरह से कारोबारी नहीं लग रहे थे, अपने परिवार के साथ खरीदारी करते दिखे। अपनी इस छानबीन को और अधिक पुख्ता करने के लिए हमारी टीम ने स्टोर के AGM प्रवीण ए राव से मुलाकात की। प्रवीण के सामने भी हमारी टीम ने वही प्रस्ताव दोहराया जो प्रस्ताव जालंधर में रखा था। प्रस्ताव सुनने के बाद AGM प्रवीण ने कहा कि करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें कुछ समय चाहिए अपने अधिकारियों से बात करने के। प्रवीण ने कहा, कर सकते हैं सर, नॉट एन इशू, मेरे को ना एक मंडे तक थोड़ा टाइम दीजिए, ओके, बिकॉज दिस काइंड ऑफ थिंग पहली बार हमको अप्रोच आ रहा है ये वाला, सो डिस्कस विद माई जनरल मैनेजर। अभी हमने क्या किया है कि हमने अपने आपका होल स्टोर जब से आया है, होल सेल स्टोर, तब से मैंने क्या किया, हाउसिंग सोसाइटी मेंबर बनाए अपने बहुत सारे, ठीक है सर, और उनको डायरेक्ट लाता हूँ बल्क में और शॉपिंग कराता हूँ। मेरा इन्वेस्टमेंट नील है, ठीक है, मैं उनसे भी लेता हूँ, आप 2% देते हो बंधन में मुझे, तो क्या मुझे कितने परसेंट एक टाइम में अलाउ हो जाएंगे? मैंने यहाँ हाउसिंग सोसाइटी मेंबर बनाए हैं, मान लीजिए एक टाइम में मैं 50-100 बस लेके आऊँगा और उनको शॉपिंग कराऊँगा मैं। कर सकते हैं सर, नॉट एन इशू, मेरे को ना एक मंडे तक थोड़ा टाइम दीजिए, ओके, बिकॉज दिस काइंड ऑफ थिंग पहली बार हमको अप्रोच आ रहा है ये वाला, लेट मी डिस्कस विथ माई जनरल मैनेजर एंड देन आई कैन कम बैक टू हाउ बेस्ट आई कैन हेल्प यू आउट, ओके, इफ इट इज़ फाइन। प्रवीण से मुलाकात करने के बाद हमारी टीम ने जीरकपुर के मेट्रो होलसेल स्टोर में खरीदारी कर रहे घरेलू उपभोक्ताओं से भी जानने की कोशिश की कि ये उपभोक्ता वाकई में कोई बिजनेसमैन है या सरकारी और विदेशी कंपनियों के ढीले नियमों का फायदा उठाकर पर्सनल शॉपिंग कर रहे हैं। अश्विनी कुमार गुप्ता, आई एम रिटायर्ड फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया एंड आई एम परचेजिंग द गुड्स फ्रॉम सिंस 1 year. Time you are purchasing for your factory purpose or your own purpose? For my own purpose. मेट्रो के इस स्टोर पर छानबीन के दौरान हमारी टीम की मुलाकात हुई नरेश कुमार नाम के एक ऐसे ग्राहक से जो सही मायने में एक व्यापारी है और इस स्टोर से माल खरीदकर अपनी दुकान में बेचते हैं। उन्होंने हमें बताया कि मेट्रो के इस स्टोर में होलसेल के बिजनेस से ज़्यादा रिटेल का बिजनेस हो रहा है, जिससे उनके जैसे व्यापारियों को घाटा हो रहा है। उन्होंने क्या कहा, आइए उन्हीं से जानते हैं। ये होलसेल के चक्कर में, रिटेल के चक्कर में है, ये 90% रिटेल करते हैं, दुकानदार का वही रेट है, होलसेल इनका कोई होलसेल नहीं है, जो कमीशन जो माल सही रेट पे आता है वो तो कस्टमर को जाता ही नहीं, उसकी ये कमीशन खा के साइड से निकाल देते हैं सारा माल, जैसे कंपनी जिसके प्रमोशन देती है इस पर इतना लेस अपने को नहीं देते। अच्छा, आपका किस चीज़ का बिजनेस है? मेरा अपना ये किराने की दुकान है। अच्छा, ये आपका कहना है कि ये घर वालों को भी डायरेक्ट बेच रहे हैं? डायरेक्ट बेच रहे हैं, पर्सनल शॉपिंग लोग करने आते हैं? पर्सनल शॉपिंग, तो इससे आपको क्या घाटा या फायदा? घाटा है दुकानदार को, कस्टमर यहाँ आ जाए दुकानदार क्या करेगा वहाँ। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मेट्रो के दो होलसेल स्टोर हैं। वेस्ट मुंबई के वेस्टर्न एज में बने मेट्रो होलसेल के इस स्टोर का हाल देश के बाकी स्टोर से जुदा नहीं है। हमारी टीम को मेट्रो के इस स्टोर में भी कई परिवार खरीदारी करते हुए नजर आए। वेस्ट मुंबई के इस स्टोर में हमारे रिपोर्टर की मुलाकात हुई सीनियर कंसल्टेंट जयप्रकाश गुप्ता से। यहाँ भी हमने वही पुरानी कहानी दोहराई। जयप्रकाश को हमने बताया कि हमारी कंपनी मुंबई के कई हाउसिंग अपार्टमेंट में वहाँ के लोगों को अपना मेंबर बना चुकी है। हमारी कंपनी इन लोगों को मेट्रो के इस स्टोर में पर्सनल शॉपिंग कराना चाहती है। हमारी टीम ने यह साफ कर दिया कि हमारा कोई भी मेंबर बिजनेसमैन नहीं है। उनको कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप लोग कॉपरेट करें। 1000 का शॉपिंग तो मिनिमम है ही आपका? नहीं, 1000 का मिनिमम है, लेकिन आप जो उनको भेजेंगे, हम, मेरा एक बंदा रहेगा, आप 3 कार्ड देते हैं ना? हाँ, 3, एक हमारा होगा कार्ड, एक 2 एड ऑन कार्ड, तो उसमें से एक बंदा रहेगा उनके साथ। अच्छा, और वो जो मेंबर आएंगे उनके साथ जो एक, वो मेरे मेंबर होंगे, वो आपके नहीं, नहीं, आपका जो एक आदमी है, आपका जो एक स्टाफ रहेगा, उस स्टाफ के साथ वो कितने फैमिली आएंगे? 60 आ सकते हैं, 70, हम लोग 2-4 में तो कोई फायदा नहीं है। अभी तो इंडिविजुअल शॉपिंग में ही उनको रिटेल कराने में फायदा है, हम उनसे भी लेंगे आपसे भी लेंगे।
यहाँ के सीनियर कंसल्टेंट जयप्रकाश ने हमारे प्रस्ताव को बहुत गंभीरता से लिया और हमारे इस प्रपोजल को अप्रूव कराने के लिए हमारे रिपोर्टर की मुलाकात अपने डिपार्टमेंट मैनेजर संकेत से कराई। संकेत ने भी हमें वही सब बताया जो जयप्रकाश ने हमें पहले बताया था। संकेत ने कहा कि वे पर्सनल शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन उन्हें शॉपिंग के लिए एक साथ 100 लोग ना आकर एक बार में 12-12 लोग ही आए। संकेत ने कहा जो भी अखा दिन में तो कोई इशू नहीं है सर। अच्छा, आप अपने भी यहाँ पे कितना परमिशन दे देंगे? मतलब एक आदमी एक ही नहीं, एक, तीन कार्ड होते हैं ना, तीन के साथ कार्ड, में एक कार्ड पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा चार आदमी, तो तीन कार्ड होंगे तो 12 लोग तो वैसे भी आ सकते हैं। हाँ, फुल डे में तो आराम से आ सकते हैं, आराम से आ सकते हैं। मैं बाहर रखता हूँ उनको और इस तरीके से शॉपिंग कराता हूँ, वो भी चलेगा, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। आप एक मेल पे मेरे को ये कर दो तो उसका मैं एड्रेस को फॉरवर्ड करके स्पेशल अप्रूव। आपका फॉर्म का पूरा फिलहाल इतना बता दीजिए कि मैं जल्दी से एक मतलब शुरू कराऊं, कितने लोगों को ला के करा सकता हूं? वो तो कर सकते हैं, कर सकते हैं, कार्ड में बोला वैसे 12 लोगों को। हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं, होल डे में तो आराम से सर, एक कार्ड अवेल होके गया वापस आ सकते हैं, किसी को आने पर पाबंदी नहीं ना कि कोई एजेंट, लेकिन वो रिटेल करेंगे आपके कार्ड के ऊपर होगा, मेरे कार्ड के ऊपर वो लोग 12% रिटेल करेंगे। हाँ, कुछ भी करें, वो कुछ भी शॉपिंग जो करें हमें उसको शॉपिंग करना है, शॉपिंग करें। हाँ, वो कोई रोके ना उन्हें कि मतलब कार्ड रहेगा तो कोई रुकने का सवाल ही नहीं। आपका लेटर रहेगा, आपको लेटर कॉपी बना के रखो, आप मेल में वो लेटर भेजा करो, हर बार काम हो जाएगा उसका। तो 12-12 करके मैं 50 को करा देता हूँ तो जो भी अखा दिन में कोई इशू ही नहीं है सर, क्योंकि मैं मेंबर तभी यहाँ बनूंगा, आपको मैंने बता दिया अपना पूरा। आज आप 12 जन को भेजो, कल 12 जन को, रोज 12-12 का नहीं, मतलब 12 को निकाल के फिर 12 को भेजो, वो भी करेगा ना, इस तरीके से 50 को मैं करा लूंगा, वो भी इशू नहीं है। अखा दिन में आपको कोई इशू नहीं आएगा उसमें। अभी मेरे इधर कस्टमर आते हैं, सुबह एक बार शॉपिंग करते हैं, फिर दोपहर को आते हैं, फिर शाम को आते हैं, फिर रात को आते हैं। लेकिन वो पर्सनल नहीं करते होंगे ना, रिटेल में नहीं करते होंगे? पर्सनल वाले भी कुछ कुछ होते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में मेट्रो होलसेल का एक ही स्टोर है। इंदौर के इस स्टोर में हमारे रिपोर्टर की मुलाकात हुई एजीएम अमित जैन से। अमित को भी हमारी टीम ने वही कहानी सुनाई। हमने अमित को बताया कि हमारी कंपनी इंदौर की हाउसिंग अपार्टमेंट में वहां के रहने वालों को मेंबर बनाकर आपके होलसेल स्टोर से उनकी जरूरत के सामान की खरीदारी कराना चाहती है। अमित ने हमें निराश नहीं किया, उसने कहा कि आपके इस प्रस्ताव को एक बार अप्रूवल के लिए कंपनी के हेड ऑफिस भेजना होगा। कंपनी से ओके होने के बाद आप अपने मेंबरों को हमारे स्टोर से शॉपिंग करा सकते हैं। अमित ने कहा, नहीं, एजीएम मैं ही हूँ, यहाँ पर डिसीजन मेरे को ही लेना है, पॉलिसी मैटर है तो मुझे हेड ऑफिस रेफर करना पड़ेगा। कितने मेंबर होंगे वो? तो देखिए, हमें 2-4 मेंबर लाने में तो कोई फ़ायदा है नहीं, हम बनाएंगे तो बल्क में लेके आएंगे, हम बस से लेके आएंगे, उनको रिटर्न करेंगे, कन्वीनियंस सारा हमारा होगा। बंधन में 2% आप देते हैं, 2-3% मैं उनसे लूँगा, हमारा कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं, नील है, तो मैक्सिमम जितना लाऊँगा, महीने में 3 ट्रिप करीब, तो इस टाइप का था, तो इसलिए मैंने कहा एक बार आपसे बात करूँ और क्लियर कट बता भी दूँ कि मेरा क्या कंसर्न है। तरीके से पॉसिबल कैसे होगा? आप आएंगे साथ में? वो एड ऑन कार्ड आप देते हैं ना, मेरा एम्प्लॉई रहेगा या कोई रहेगा? हाँ, बेसिकली पर एक कार्ड पे हम अलाउ करते हैं 3 लोगों को जी। हमारा जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली वी अलाउ 3 पीपल ऑन अ सिंगल कार्ड, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कि एक बार में एटलीस्ट 30-40 लोग, 30 लोग। हाँ, वो किस तरीके से ग्रुप में तो दे विल टेक व्हाटएवर दे विश टू, या और उसके बाद बिलिंग होगी, एक साथ बिलिंग होगी जी। तो इसका बेसिकली क्या है, देखिए एज अ कॉन्सेप्ट तो हम लोग इसमें, एज अ पॉलिसी तो हमारे यहाँ है नहीं ये चीज़ जी, एज एन एक्सेप्शन ही ये चीज का डिसीजन हो सकता है कि हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मैं लिख लेता हूँ और मैं इसको आपको कन्फर्म करके बताऊँगा। हाँ, उनको कोई इतराज है नहीं,
तो इसीलिए कह रहे थे आपके यहाँ कोई जो जी एम हो या ए जी एम किसी से भी आप बात मैं ए जी एम में ही हूँ यहाँ पर। अच्छा अच्छा, डिसीजन मेरे को ही लेना है बट ये पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी मैटर है तो मुझे हेड ऑफिस से रेफर करना पड़ेगा और उन्होंने भी जिन्होंने आपका मतलब जहाँ से आप ऐसा करते हैं ठीक है तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं किसी से अपने कंसर्न पर्सन को उन्होंने जरूर किया होगा। ये जो पॉलिसी मैटर है तो ये लोकल लेवल पे नहीं रहेगा जी, दिस नीड्स टू बी अप्रूव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि शायद ना हो वो, बट एक बार हमको कहते हैं ना उनके ध्यान में डालना जरूरी है कि हम इस तरीके से चाह रहे हैं तो अप्रूवल आ जाना चाहिए आइडियली। तो मैं आपका डिटेल्स ले लेता हूँ, ये डिस्कस कर लेता हूँ, उसके अलावा और क्या कंसर्न है आपकी वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है बताइए, कितने लोग आप एक्सपेक्ट कर रहे हो साथ में? देखिए बस लेके आएंगे तो 70 लोग तो कम से कम होंगे ही होंगे। 70 लोग? हेलो सर, कर दो डन 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 कर। ये भी मैंने क्लियर कर दिया कि मेरा इंटेंशन है कि वो लोग रिटेल करेंगे, अपना खरीदारी करेंगे घरेलू पर्पज से, बिलिंग हमारे उसमें होगी, यही हमें बेनिफिट है, हम यही तो दे रहे हैं उन्हें, हमारा इन्वेस्टमेंट डील हो रहा है, मतलब कोई पैसा नहीं लगा रहे, ना लगाने की जरूरत है, कई जगह हम सक्सेसफुल हैं, सोच रहे हैं अभी तो ये था। ठीक है, 760 to 70 मेंबर्स ऑन अ सिंगल कार्ड की एंट्री करानी है ना जी।